मेले का इतिहास। कुंभ मेले का इतिहास उन दिनों से संबंधित है जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमरता के अमृत का उत्पादन किया था, जैसा कि किंवदंतियों द्वारा दर्शाया गया है। हालांकि यह माना जाता है कि कुंभ मेले का त्योहार लगभग 2000 साल पुराना है। कुंभ मेले का अपना धार्मिक महत्व है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आस्था का सबसे बड़ा जमावड़ा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग भाग लेते हैं और पवित्र या पवित्र नदी में स्नान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ का अर्थ क्या है, क्यों मनाया जाता है, कुंभ मेले की शुरुआत किसने की, कुंभ मेले की कहानी क्या है आदि? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण और धार्मिक त्योहार है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। त्योहार का स्थान पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों के बीच घूमता रहता है। ये स्थान है उत्तराखंड में गंगा पर हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयागराज। यह सही कहा गया है कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक मानव समागम है। 48 दिनों के दौरान करोड़ों तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। दुनिया भर से भक्त, मुख्य रूप से साधु, साध्वी, तपस्वी, तीर्थयात्री आदि इस मेले में भाग लेते हैं। कुंभ मेला दो शब्दों कुंभ और मेला से मिलकर बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर बर्तन से लिया गया है, जिस पर देवता और राक्षस लड़े थे, जैसा कि पुराणों के रूप में जाना जाता है। मेला, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलना। कुंभ मेले का इतिहास उन दिनों से संबंधित है जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमरता के अमृत का उत्पादन किया था, जैसा कि किंवदंतियों द्वारा दर्शाया गया है। देवता और दानव एक साथ कार्य पूरा करने के लिए सहमत हुए, अमृत को आधे में साझा करने का फैसला किया। देवता और राक्षस तब दूध के सागर के तट पर इकट्ठे हुए, जो ब्रह्मांड के खगोलीय क्षेत्र में स्थित है। दूध सागर के मंथन ने एक घातक जहर पैदा किया, जिसे भगवान शिव ने प्रभावित हुए बिना पी लिया। वर्षों बाद कई बाधाओं को पार करने के बाद धन्वंतरी अपने हाथों में अमरता का अमृत लेकर प्रकट हुई। देवताओं ने 4 देवताओं बृहस्पति, सूर्य, शनि और चंद्र को इसकी सुरक्षा सौंपी थी। इसके बाद राक्षसों ने कई दिनों तक देवताओं का पीछा किया। इस दौरान कुंभ की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। माना जाता है कि तब से इन 4 स्थानों ने रहस्यमय शक्तियां हासिल कर ली है। देवताओं और दानवों के बीच कुंभ यानी पवित्र घड़े के लिए लड़ाई 12 दिव्य दिनों तक चलती रही, जो मनुष्यों के लिए 12 साल तक लंबी मानी जाती है। यही कारण है कि कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और उपरोक्त पवित्र स्थानों या पवित्र स्थलों पर सभा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान नदियां अमृत में बदल गई और इसलिए दुनिया भर के कई तीर्थयात्री पवित्रता और अमृत। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण भगवत पुराण में वर्णित है। कुंभ मेले के एक अन्य लिखित प्रमाण का उल्लेख चीनी यात्री वेनसांग या वेनजांग के कार्यों में किया गया है, जिन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से 645 ईस्वी में भारत का दौरा किया था। साथ ही समुद्र मंथन के बारे में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी उल्लेख मिलता है। कुंभ मेले में पहला स्नान संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है और यह सुबह 3 बजे शुरू होता है। संत के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो लोग गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, वे अनंत रूप से धन्य होते हैं। इतना ही नहीं, यह पाप को धोकर उन्हें मोक्ष के मार्ग की ओर भी अग्रसर करता है। कुंभ मेले के 4 स्थान या स्थल अमृत या एक अमर पेय के कारण है, जो विष्णु द्वारा इन 4 स्थानों पर गिराए गए थे। दुनिया के सबसे बड़े समागम कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि
मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है।